इफ़ यू कंसिडर रेफरल सिस्टम टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एंड वी फाइंड इट एज अ वे टू रिफॉर्म प्रॉब्लम बिहेवियर्स दैन वेयर कैन वी फाइंड दिस हेल्प फ्राम हम ये मदद कहाँ से हासिल कर सकते हैं इसके बहुत से ज़रा हैं सबसे पहला जरिया तो स्कूल खुद है हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जब स्टूडेंट्स को कोई मसला दरपेश है तो हम इतने प्रोफेशनली ट्रेनड हों कि सबसे पहले मसले की शिनाख्त कर सकें जब हमने मसले की शनाख्त कर ली तो फिर हमें ये, ये देखना चाहिए कि मसला टीचर हल करेगा या कोई दूसरा स्टाफ मेंबर हल करेगा या कोई काउंसलर स्कूल में मौजूद है जो हल करेगा इन तमाम मरहल से गुजर कर अगर हम ये देखते हैं कि मसला बरकरार है या उसमें कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आ रही तो फिर हम दूसरे जराये पर गौर करते हैं मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट को किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं जो सही तौर के ऊपर स्टूडेंट का एक नफसियाती मुआना करता है या करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि मसला कहाँ पर है और उसका हल किस तरह निकाला जा सकता है देर आर सम स्टूडेंट्स हु नीड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है मिसाल के तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बेहद डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो स्टूडेंट्स जो बेानतहा इंग्जाइटी प्रोन होते हैं और ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर परेशान होते हैं और उनकी परेशानी इस हद तक बड़ी हुई होती है कि आम लोगों के बस से बाहर होती है तो उन स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज हेल्प के पास भेजना बेहद ज़रूरी हो जाता है इसके अलावा बाज़ात मसला मज़द पेचीदगी अख्तियार कर जाता है और स्टूडेंट को चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास भेजना जरूरी हो जाता है इसका मतलब यह है कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर हु हैज एक्सेल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड एंड एंड ही और शी नोज हाउ टू डील विद सच सवियर केसेस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाकर बाज़ात मसले की प्रॉपर तशखीस हो सकती है और फिर उसके हल की तरफ जाया जा सकता है इसके अलावा बाज ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मेडिसिन से होता है या मेडिकल फील्ड से होता है मसाइल जो हैं वो नफ्सियाती नौीय के भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ मेडिकल इश्यूज भी स्टूडेंट्स को हो सकते हैं जो स्कूल में बाजा अवतिसकवर्ड रहते हैं बाजा स्टूडेंट्स दे आर अन एबल टू पे अटेंशन इन द क्लास रूम बिकॉज दे हैव अ अवियर ऑप्टिक प्रॉब्लम नज़र का मसला है या कान का मसला है कान में शदीद दर्द है एंड द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू फॉलो द टीचर कॉन्सनट्रेट इन द क्लासरूम और वहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि स्टूडेंट्स क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है या कोई और इंटरनल फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड बिकॉज दे कैन नाट कॉन्सेंट्रेट दे दाल इन टू मेल बिहेवियर्स दे कैन समाइम्स बिकम एग्रेसिव गो इन टू डिप्रेशन सो

खराब एनालिसिस है वी नीड टू लुक एट प्रॉब्लम इन टोटेलिटी और ये तभी चीज़ सामने आएगी जब प्रॉपर नीड्स असेसमेंट होगा वेन वी ट्राई टू लुक डीपर इन टू द लाइफ्स ऑफ आर स्टूडेंट्स एंड वी वॉन्ट टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स लाइफ विद दर डोमेस्टिक लाइफ्स एंड फाइंड आउट द कॉजिस तो वहां पर यह चीज़ सामने आ जाती है कि कॉज साइकोलॉजिकल है फिजियोलॉजिकल है और फिर प्रॉपर हेल्प सोलिसिट की जा सकती है दिस बिकम्स